ये बेस्ट प्लेस है यहाँ का लद्दाख का। अपने बालों पे ज्यादा ध्यान देता है। बाइकर ही बाइकर बैठे सारे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई आज थोड़ा लेट हो गए, बट आज मौसम साफ है, धूप निकली हुई है बढ़िया, और अभी सब रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लिया हम लोगों ने, और अभी जाएंगे हम। अभी सामान हमारा थोड़ा नीचे आ रहा है वहाँ से ऊपर रूम से, और एक बार आप पहले तो व्यू चेक करो यहाँ का। देखो गाइस व्यू, इतनी बढ़िया हवा चल रही है ना आज तो, धूप भी बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। आज हम पैंगोंग लेक जाएंगे, मतलब सबसे बेस्ट जगह लद्दाख की मेरे हिसाब से। हमारा स्टे था हुंडर इको विला। हाँ, हुंडर इको विला में अच्छा स्टे है, रिकमेंडेड है, कोई भी आए, खाना भी अच्छा है यहाँ पे, सब कुछ बढ़िया एकदम। देखो ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है, सिटिंग एरिया भी बढ़िया। अब निकल रहे हैं भाई लोग हम अपना यहाँ से बढ़िया, पैंगोंग लेक का थोड़ा ज़्यादा लंबा सफ़र है मेरे ख्याल से, 200 किलोमीटर नहीं 200 किलोमीटर अप्रोक्स बोल रहे हैं। बाकी देखो कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे रैपर लग रहा है भाई, है ना। सारे लोग खड़े हैं हमारे यहाँ पे, सामान रखा जा रहा है, वहाँ पे भी दो लोग रह गए। व्यू यार मस्त है यार, वो देखो वहाँ का व्यू दिखा दिया मैंने, बादल आ रखे हैं। हम निकल लिए थे भाई, देखो यहाँ पे व्यू देखो, ये यहाँ पे सैंड ड्यून्स है, यहाँ पे भी नहीं जा रहे हम लोग, यहाँ पे कैमल लाइटिंग होती है, आपको आवाज नहीं आएगी साफ क्योंकि यहाँ पे बहुत नॉइस है, रोड खराब है सारा। बाकी एंजॉय करेंगे पूरा पूरा, कह रहे हैं कैमरा लाइटिंग करने की, तो देखते हैं मैं भी करूँ, मैं क्या करूँगा, बहुत बार कर रखे बचपन में, पर इनके लिए ऐसे ही बैठ सकता हूँ पीछे बच्चों के साथ, डरना लगे इनको। बाकी व्यू चेक करो आप, जन्नत तो है यार, ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं भाई, मतलब कि नहीं है नहीं है, नहीं तो बढ़िया है, एक्सपीरियंस थोड़ा खराब था, बताना पड़ेगा अगली बार ब्लॉग में, प्रॉपर मेडिकेशन के साथ आए। बैठ गए उठ पे भाई, हम भी बैठ गए, छोरो जाना डर क्यों रहा है, डर रहा है बेचारा। सर नाम क्या है भैया, खाली पड़ा है, खाली पड़ा सब कुछ, हम भी नहीं जा रहे हैं, मतलब चार जानों को बनते चार करके, सॉरी पीछे पीछे आ रहा है सब, कहाँ गया यही रहा। था अभी सोया पड़ा था बहुत देर से, मैं अभी थोड़ा अपना शरीर खोल रहे हैं यहाँ पे रुके हैं, क्योंकि इसके बाद कोई स्टॉप नहीं है यहाँ पे। बाकी यार यहाँ पे जो बाइकर को देख के ना मेरा मन भी कर रहा है कि कभी बाइक से आना है घूमने, एक ना एक लाइफ में कभी ना कभी तो एक बाइक से एक बार आने आना है अपने दोस्तों के साथ। मैगी आ गई है हमारे यहाँ पे, अब सब मैगी खा रहे हैं बैठ के, स्टॉप ले रखा है बढ़िया, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, और बाहर सारे बाइकर से बैठे बाहर, बाइकर ही बाइकर बैठे सारे। क्या कह रहे थे बाबू दोबारा बताना जी, एक बात बताएं, आजकल जो चलते हैं लोग बाग, ये जो टूटी फूटी सड़कें हैं, जब इन पर चलते हैं तो लोग कहते हैं बड़ा एडवेंचर है, और जब हम गांव में जाते हैं या कुछ लोग और वहाँ जाते हैं तो टूटी फूटी सड़कें मिलती है तो कहेंगे अरे अली सड़कें नहीं बनवाई जाती, प्रधान पैसे खा गया, और यहाँ एडवेंचर है एडवेंचर है। देखो भाई बात तो सही कह रहे पापा, बहुत फतेह की बात है एकदम, आज का ज्ञान है ये, आज की जनरेशन के लिए ज्ञान है ये सारा, संभल जाओ थोड़ा टाइम है। कभी कोई पानी की बोतल खोरा, कभी किसी का ग्लव्स खोरा।
पर व्यू तो अच्छा है, कुछ भी कहो आप, रोड खत्म हो गई दोबारा। क्या कह रहे हो आप, क्या शिकायत है आप? हमें शिकायत है हमारा जो यूट्यूबर है वो हमारे व्यूज तो इसमें बिल्कुल भी ऐड करी नहीं, हम लोगों से ज्यादा ख्याल उसे आप सब लोगों का है, ये आप सब लोगों को ज्यादा दिखा रहा है, हमें कम दिखा रहा है, अपने बालों का है, अपने बालों पे ज्यादा ध्यान देता है। तो व्यू तो दिखा रहा हूँ मैं सबको, फिर व्यू भी दिखा रहा हूँ, व्यू दिखाना है ना मेन। तो नीचे गांव है, श्योक गांव, कभी मौका लगे तो आना जरूर यहाँ पे, जो भी देखेंगे इस वीडियो को जिंदगी में एक बार जरूर आना लद्दाख। ये हम लोकल गांव से निकल रहे हैं लद्दाख के, मेन रास्ता छोड़ दिया भैया ने, कह रहे अंदर से एक्सप्लोर कराता हूँ आप लोगों को। यहाँ से बैंकॉक 30 किलोमीटर रहता है और सारा रास्ता ऐसे ही है, एकदम बेकार, मतलब पहले सही था, अब इसको ये डबल कर दिया तो इन्होंने सारा दोबारा तोड़ा, दोबारा बनाएंगे। और आज का सफ़र हमारा कुछ लंबा हो गया ज़्यादा ही, हम निकले थे सुबह 9:30 बजे, 4 बज रहे हैं, अब तक पहुँचे तो है नहीं, पूरा दिन निकल गया ऐसे ट्रैवल करते करते। वहाँ देखते कैसा लगता है अब बैंकॉक जाके। ये हिमालयन कोट है, ये यहीं पर मिलते हैं बस, हिमालयन कोट कह रहा था घंटे के सफर के बाद ये भी देखने को मिल रहा है, बहुत ही मजा आ गया हमें तो, आंखें तृप्त हो गई हम लोगों की, आप लोग भी कर लो। अब हम आ गए नीचे बैंकॉक लेक के पास जा रहे हैं, बिल्कुल व्यू दिखाऊंगा आपको मैं, बट उससे पहले आप भीड़ देखो, इतने टूरिस्ट आ रखे हैं, बट फिर भी जो हमारे साथ भैया हैं वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, बाकी आप व्यू चेक करो, व्यू और पास जा रहे हैं हम पानी के, अच्छी खासी है, बढ़िया हवा चल रही है, बिल्कुल नीला पानी। ये जो पैंगोंग लेक है ये 30% है इंडिया पे और 60% है, नहीं 70% है चाइना पे, थोड़ी मैसेज खराब हो गई ठंडी हवा में, बाकी आप व्यू तो देखो मजा ही आ जाएगा। ये बेस्ट प्लेस है यहाँ का लद्दाख का देखने के लिए, बेस्ट, एकदम बेस्ट, और ठंडा, इस ऊपर कुछ नहीं है, और यहाँ आना चाहिए जरूर जिंदगी में एक बार तो, है ना, जिंदगी में एक बार जरूर आना चाहिए, बेशक रास्ता कितना ही खराब हो बट आना जरूर चाहिए, आना जरूर चाहिए। और पानी कैसा बताना? पानी तो बिल्कुल जैसे बर्फ गल के आ रही है, एकदम ठंडा और साफ पानी, बिल्कुल साफ पानी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है, बिल्कुल एकदम, और बर्फ पिघल के आ रही है एकदम बढ़िया, पीछे से चाइना के पास चल जाओ। अब मैं भी फुल पैक हो गया हूँ, अब बहुत ठंड लग रही है, बहुत तेज, मेरा तो एडम्स एप्पल भी दर्द कर रहा है, अब खला सूख चुका है इतना बोल बोल के, बाकी अब हम जाएंगे वापस थोड़ी देर में यहाँ पे एंजॉय करके। और बढ़िया, बताओ, मैं ये बताने जा रही हूँ यहाँ कोई एज फैक्टर कुछ नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है, किसने बोला एज फैक्टर है? हाँ तो सब लोग आइएगा और देखिएगा कितना मजा आता है, तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ कम उम्र के हैं वो थोड़ा वॉमिट वगैरह करके परेशान हो चुके हैं, ये वो कम उम्र के बच्ची है वो, अब नहीं है, मैं फिट आया हूँ, हम फिट है, मैं और आदित्य बिल्कुल फिट, मैंने भी तो नहीं करी आज, सब फिट है भैया, सब हो गए, अंकल आज नहीं करी, अंकल भी फिट आए थे हमारे साथ, अंकल आप भी फिट आए थे, आज नहीं करी मैंने, उल्टी नहीं करी ना आज, नहीं आज कोई उल्टी नहीं, आज वैसे किसी ने नहीं करी, आज ये अपना मस्त होके आए हैं, हाँ 9 घंटे लगा के, 7.5 घंटे लग गए, बट यहाँ के देखो ना पूरे 9 घंटे वसूल हो रहे हैं, वसूल तो हो रहे हैं, बात तो सच है। टैनिंग देखो एक बार मेरे कितनी ज्यादा हो रखी है, मुंह भी नहीं धोया ना, एक तो मुंह धो के भी थोड़ा साफ हो जाता है,
तू तो गोरा चिट्टा यार, तू तो रैपर है। ये हमारा कॉटेज है, आज का जो स्टे है, नाम बाद में बताऊंगा। बाकी आप एक बार यहाँ से व्यू देखो, ये इग्नोर कर देना बीच में। ये हमारा कॉटेज का रूम देख लो आप, बढ़िया रूम है एकदम फर्स्ट क्लास। हम लोग चाय पी के वापस आए थे, हमने देखा और यहाँ बारिश पड़ रही है अभी, बहुत ही बढ़िया मौसम, बढ़िया ही जगह। साइलेंट व्लॉगिंग, एकदम साइलेंट में है ना, मजा आ रहा। कहाँ घूम के आया, हम वहाँ घूम रहे थे अपना, वहाँ ढूंढ रहे थे कॉटेज पहले पीछे। ये अच्छा है ना, बारिश पड़ रही है ना, देखो ये अच्छा है ना। हाँ ये बढ़िया, और का सामने व्यू है बिल्कुल। हम लोग डिनर करके आ गए थे हम लोग, और इतनी ठंडा यहाँ पे, हमने एक दो और तीन लेयर कंबल ले रखी है। टेम्परेचर में पता नहीं क्योंकि नेट आ नहीं रहा है किसी का भी, एकदम नो सर्विस है। आज हमारा दुनिया से कट ऑफ हो रखा है बिल्कुल, हम चुपचाप सोएंगे अपना व्लॉग एडिट करके। और आज के लिए इतना ही था, बाय गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट।